नमस्ते, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में हड़ताल कर रहे हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदेश में चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। दरअसल रोडवेज कर्मचारी अपनी 30 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने बताया है कि वो अपनी मांगों को लेकर 2 साल से संघर्षरत हैं, लेकिन वर्तमान सरकार दोबारा उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में हिट एंड रन कानून को वापस लिया जाना, कार्यशाला में खाली पदों को नियमित रूप से भरा जाना, ग्रुप डी के तहत भर्ती कर्मचारियों की पदोन्नति की जाए, इसके अलावा भी एक लंबी फेहरिस्त है जिसकी मांग रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुरुग्राम, भिवानी, कोसली, कैथल, उचाना, सिरसा। केवल एक जगह को छोड़कर हर जगह एक ही जैसी स्थिति नजर आ रही है। अगर हम बात कर लें तो ज्यादा असर जो दिखाई दे रहा है वो हिसार में नजर आ रहा है। महेंद्रगढ़ की स्थिति ऐसी है कि महेंद्रगढ़ में बसेज सुचारू रूप से चल रही हैं, लेकिन बाकी हर जगह पर एक ही जैसे हालात हैं। पूरे हरियाणा के अंदर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल 24 दिसंबर को सीमावास का घेराव किया गया था। उससे पहले परिवहन मंत्री जी से और उच्च अधिकारियों से बातचीत की गई, जिसमें अर्जित अवकाश और परिचालकों का पे ग्रेड के बारे में और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने के बारे में जो बात मानी गई थी, अभी तक वो लागू नहीं गई। उस विरोध में आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का ऐलान था और जो आज आप देख रहे हो। ये हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी काफी लंबे समय से, जब से हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, उससे लेकर के हरियाणा का कर्मचारी, हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी आंदोलन के ऊपर है। लगातार सरकार से, परिवहन मंत्री से, उच्च अधिकारियों से लगातार हमारी बातचीत हुई है। जो विभागीय तौर पर जो हमारे कच्चे कर्मचारी थे उनको पक्का करने की बात है, जो 2016 के अंदर थे, जो 1993 से लेकर के 2002 तक डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हमारे जो साथी थे उनको पक्का किया जाए। आज सांझा मोर्चा के आह्वान पर हमने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी। इस हड़ताल का उद्देश्य निजीकरण को जो बढ़ावा दे रही है, कौशल रोजगार के जो रोजगार लेकर रही है, पक्का रोजगार नहीं दे रही है सरकार, इसके वजह में हमने एक दिन की सांझा मोर्चा के रूप में हड़ताल की थी। अगर शाम तक बातचीत के लिए नहीं बुलाती तो इस हड़ताल के ऊपर विचार किया जा सकता है, इसको 2 दिन, 1 दिन आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आज हमारी मांगे हिट एंड रन कानून के विरोध में है, जो ड्राइवर भाइयों के लिए एक समस्या का कारण बन चुकी है। इसके अलावा चालक, परिचालक और कलरकों के पे ग्रेड के लिए है, और 265 असीमित परमिट पर दिए जा रहे हैं, जिनके विरोध में ये हड़ताल की जा रही है। तो रोडवेज के कर्मचारियों को आप सुन रहे हैं। केवल महेंद्रगढ़ को छोड़कर कोई ऐसी जगह नहीं बची है प्रदेश में जहां पर रोडवेज कर्मचारियों का चक्का जाम ना हो, इस तरह की हालात ना हो। सबसे ज़्यादा जो भुक्तभोगी हैं इस चीज़ के, वो आम जनता है, जो लोग सफ़र करने के लिए अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं लेकिन रोडवेज की बसेज उनको अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। सुबह से लोग कतारों में लगे हुए हैं लेकिन वहां पर कोई बसेज नहीं है, जिसके चलते आम जनता परेशान हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार परिवहन मंत्री के आह्वान के बाद भी क्यों इस तरह की स्थिति बनी हुई है। उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हड़ताल को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अधिकारियों को भी इसके लिए आदेश दिए गए हैं, अतिरिक्त बसों की भी बात कही गई है, लेकिन रोडवेज कर्मचारी किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है। मांगे कितनी जायज़ हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक लंबी फेहरिस्त है रोडवेज कर्मचारियों की मांगों की। 4 दौर की वार्ता भी हुई है लेकिन क्या कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से तस्वीरें ऐसी ही सामने आ रही हैं, और चूंकि चुनावी साल है तो ऐसे में क्या कोई दबाव बनाने की मंशा है। कई तरह के सवाल हैं जो उठते हैं रोडवेज कर्मचारियों की इस हड़ताल के बाद से, कि क्यों इस तरह के हालात बने हुए हैं और क्या हड़ताल किसी समस्या का समाधान है। अगर आप हड़ताल करते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक प्रेशराइज करने की कोशिश तो करते ही हैं, लेकिन आम जनता उससे परेशान भी होती है। तो प्रदेश भर में रोडवेज की जो बसेज हैं वो नहीं चल रही हैं, जनता परेशान है, और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अतिरिक्त बसेज की सुविधा लोगों को मुहैया करवाई जाएगी, लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी बनी हुई है क्योंकि सर्दी का माहौल है। ऐसे में लोग जब सफ़र करते हैं तो रोडवेज की बसेज का उनके लिए, आम जनता के लिए, एक सहारा होती हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर रोडवेज कर्मियों की हड़ताल
परेशानी बढ़ा रही है। एक लंबी फेरिस्त है रोडवेज कर्मचारियों की, उनकी मांगे हैं कि हिट एंड रन कानून को तुरंत वापस लिया जाए। इसके अलावा वेतन विसंगति को दूर करने की बात भी उनकी तरफ से कही जा रही है, देय अवकाश कटौती पत्र वापस हो ये मांग भी की जा रही है, एक लंबी लिस्ट है। पेंशन योजना में शामिल किए जाने की बात भी कही जा रही है, और जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनको कॉमन कैडर से बाहर करके तकनीकी पदों पर प्रमोशन किया जाए ये बात भी कही जा रही है रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से। साथ ही 2002 में जो भर्ती हुए चालकों की नियुक्ति थी उनसे पक्का करके पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए ये मांग भी उठाई जा रही है रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से। और साथ ही उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कई वर्षों के बोनस का भुगतान किया जाए, तकनीकी वेतनमान से जो वंचित कर्मचारी हैं उनको तकनीकी वेतनमान दिया जाए, ये मांगे हैं रोडवेज के कर्मचारियों की। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जुड़ चुकी हैं और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेहा जी से मैं पहले रिएक्शन ले लेती हूँ। नेहा जी, चार दौर की वार्ता हुई है लेकिन बावजूद इसके कोई हल नहीं निकला, क्या कहां लैक लग रहा है आपको? क्या सरकार कन्विंस नहीं करवा पा रही है या फिर इसके पीछे कोई और मंशा है? देखिए, हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री और जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ में रोडवेज कर्मचारियों की जो है 2023 में चार बार चार दौर की जो बैठक हो चुकी है उसमें बहुत सारी मांगों पर जो है माननीय मनोहर लाल जी ने भी स्वीकृति दिखा दी थी और हरियाणा सरकार उस पर जो उनकी जायज मांगे थी उनको मानने के लिए जो है उनको आश्वासन भी दिया था कि ये मांग मान ली जाएंगी आपकी, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब सरकार के जिम्मे कोई काम आता है तो उसके पीछे की बहुत सारी तकनीकी जो कारण होते हैं उसको चेक करना भी जरूरी है। जो जायज मांगे थी उनको कंसिडरेशन में लाया गया है और कोई भी काम करने के लिए एक निश्चित समय होता है और उसके लिए वो निश्चित समय लगेगा ही। लेकिन आप एक बार जब इस बैठक में ये चर्चा हो चुकी है कि हम इन मांगों को मान लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सकारात्मक विचार के साथ रोडवेज कर्मचारियों की जो सहूलतें हैं और जो जायज मांगे हैं उनके साथ खड़े हैं। आज भी हमारी यही बात है कि हम उन मांगों को मानेंगे और उस पर अमल होगा, लेकिन उसके पीछे के जो कानून है, जो तकनीकी दिक्कतें हैं उसको समझने और दुरुस्त करने दूर करने के लिए जो प्रक्रिया में समय लगेगा उस पर हमें सहनशीलता दिखानी होगी। हड़ताल किसी भी चीज का हल नहीं है, आप भी जानते हैं। अगर सरकारी कर्मचारी हर बात को, हर मुद्दे, हर विषय को मुद्दा बनाकर इस तरह से हड़ताल पर चले जाएंगे तो सरकारी कामकाज ठीक ढंग से नहीं हो पाएंगे और जो जायज मांगे उनको मानने में और देरी हो जाएगी। आप खुद ये एक बात जानती हैं, आप भी एक पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, एक चैनल पर बैठे हैं, आप जानते हैं कि अगर सामाजिक तौर पर अगर कार्य रुक जाएंगे तो उनमें और दिक्कत आएगी। दबाव की राजनीति या दबाव में आकर बात मनवाने की बात जनता के मन में कभी भी नहीं होनी चाहिए, कर्मचारियों के मन में कभी भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सरकारी कर्मचारी, अगर मैं भी सरकारी कर्मचारी होती तो मेरी जनता के प्रति भी जिम्मेदारी उतनी बनती है, क्योंकि मुझे जो सैलरी मिल रही है वो उन्हीं लोगों की ही टैक्स के पैसे हैं जिनकी सेवा में हम लगे हैं। तो मेरा यही कहना है कि मुख्यमंत्री जी बहुत ही सकारात्मक है, पॉजिटिव तरीके से इनकी बातों को ले चुके हैं। बार बार उन्हीं बातों पर जिन पर मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो चुकी है, जिन पर हमने चिट्ठी भर दी है, फिर से उन्हीं बातों को उठाकर उस पर हड़ताल पर जाना जायज बात नहीं है। थोड़ा सा संयम रखिए। सुरेश जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुरेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुरेश जी, एक पूरा प्रोसेस होता है किसी भी समस्या के समाधान तक का, एक प्रोसेस होता है और उसमें जिस तरह से नेहा जी कह रही हैं कि थोड़ी सहनशीलता बरतने की जरूरत है, अगर कोई काम चल रहा है उस पर समाधान हो रहा है तो फिर हड़ताल किसी समस्या का समाधान नहीं है। सोनम जी, पानी जो है वो सर से ऊपर से जा रहा है। 2014 से ही हरियाणा रोडवेज का जब निजीकरण का इन्होंने मुद्दा उठाना शुरू किया था, हमें याद है समय समय पर कितनी बार हड़ताल हुई, कितनी बार चक्का जाम हुआ और प्रदेश की जनता भी जानती है ये बात। जैसे नेहा जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, अच्छी बात की हम तारीफ करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की, सरकारी अधिकारियों की सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल होती है। और इस प्रदेश के बहन और भाई जो सरकारी कार्यालयों में बैठकर ये काम करते हैं वो जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं, लेकिन हद तब हो जाती है जब सरकार की जिम्मेदारी नागरिकों के प्रति या कर्मचारी अधिकारियों के प्रति कहीं ना कहीं कोई नीति जो 2014 के बाद
बार बार रिपीट हो रही है। सोलह जून मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को अवगत कराना चाहता हूं कि इन रोडवेज के कर्मचारियों में ना तो कोई महेंद्र सिंह टिकैत किसान नेता का बेटा है, राकेश टिकैत है जो राजनीति करना चाहता धरने पर बैठे। बीजेपी की मोदी सरकार को बदनाम करके ऐसा भी नहीं है कोई नेता मोदी मुनिस्पत है, आपकी हो तो बता दीजिए। इनमें कोई गुरनाम सिंह चुरुनी भी नहीं है जो बीजेपी के लोग कहते थे कि इसको पंजाब से या कांग्रेस के लोगों के द्वारा या किसी जाट समाज के द्वारा या जट सिंह के द्वारा यहाँ तक की उन्होंने तो विदेशों से भी फंडिंग की बात की थी। ये जो कर्मचारी है ये रोजी रोटी के लिए रोजगार प्राप्त करके कांग्रेस की सरकारों में या पूर्ववर्ती सरकारों में अपने बच्चों का पेट पालन कर रहे हैं। इतने कड़ाके के घर में तो क्या आम परिजी वो रोडवेज के लिए चक्का जाम करेंगे बैठेंगे? क्या क्या वो बच्चे हैं देहाती की बात से सीखेंगे कि जिम्मेदारी है तो प्रदेश सरकार के प्रति उनको नहीं पता? वो लगभग 60 साल की उम्र के आसपास रिटायरमेंट के नजदीक के लोग भी है सर्विस भी कर चुके हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर एक बात विशेष तौर पर उठाना चाहता हूँ। हरियाणा रोडवेज का जब निजीकरण किया गया किलोमीटर स्कीम में जब घोटाला किया गया तो उस समय रोडवेज के कर्मचारी ने उनसे याद आती हड़ताल की थी, तो क्या अभी तक उसमें से ना चाहिए ठीक है नेहा जी इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है एक बात हो रही सोना जी एक बात हो रहा है, ये जो निजीकरण की बात आ गई किलोमीटर स्कीम की बात आ गई, मैं जनता की भी बात बता देता हूँ। इनके राज में हमारे समय तक 2014 तक सोना जी 3000 बसों का बेड़ा हरियाणा रोडवेज का हरियाणा सरकार के पास। आज की डेट में बीजेपी प्रवक्ता से आप पूछिएगा मेरे पिछले शायद ये बहन जी बुरा मान जाए कि कितनी बसें हैं, जनसंख्या बढ़ी है घटी है, जनसंख्या के हिसाब से 3000 की मैंने कितनी बनाई अभी तक। और एक बात और है, 14 के बाद जितनी बसें हरियाणा रोडवेज की सड़कों पर आई है, मैं भी बस में यात्रा करता हूँ दूसरे साथी भी करते हैं, जहाँ 3 व्यक्तियों की बैठने की जगह होती थी कुछ सीट पे ना तो 2 ठीक से। आपके राज में कितनी बसेस थी सुरेश जी, क्या आंकड़ा बता रहे हैं आप, फिर से दोहराएंगे? हमारे राज में 3000 बसों में बैठा था 2014 में, जनसंख्या बड़ी आपने क्या अभी का आंकड़ा जो है वो है 4100। नेहा जी ओके चलो मेरी बात पूरी मिल सी, फिर आपकी बारे में आपने जवाब दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ जो प्लास्टिक की बॉडी कितनी हल्के बसें आई है कहीं 2 माता से टकरा के डिवाइड होती तो बस का भी परछंडे उड़ जाते हैं और जो माता की साइडों में पड़ी मिलती है। जो क्वालिटी है इसका रेट क्या है? और आपने ये हरियाणा की सवारियां हरियाणा की जनता सोनल जी बड़े अच्छे से तजर्बा कर चुकी है, बसों में बैठ के खड़े होती है सवारी तक सीट नहीं मिलती तो पसीन लगता है छत पे, और अगर कोई पकड़ने का वो जब ड्राइविंग ब्रेक मारता है तो सहारा लेती है सवारियां। ठीक है नेहा जी कुछ और मुद्दे सुरेश जी ने गिनवा दिए, एक तो लंबी फेरी रोडवेज कर्मचारियों की ही है, उन्हीं की मांगों की है, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी मसले हैं। सुरेश जी गिनवा रहे हैं कि बसेस उनके राज में 3000 थी, हालांकि आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन उनकी कंडीशंस पे भी वो सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पानी सिर से ऊपर चला गया है तो अब तो हड़ताल ही एक समाधान है। देखिए मैं सुरेश जी की बात पर ये जवाब देना चाहूंगी सोनल जी कि हमने बसों की संख्या बढ़ाई है, जैसा कि 4100 आज बसों की संख्या है, लगभग 1100 बसें हमारी बढ़ी हैं। जींद रूट पर भी बसों की कमी हमारे सामने आई थी, हमने जींद रूट पर भी बसों की संख्या को बढ़ाया था। 625 बसें हमने केवल और केवल ग्रुप डी के जो हमने साथी लिए थे जिनको कंडक्टर और ड्राइवर रखा था उनके लिए 625 बसें तो हमने केवल ग्रुप डी के सदस्यों को लगाने के लिए ही बढ़ाई हैं। और एक चीज मैं यहाँ पर और स्पेसिफाई करना चाहूंगी और इस बात पे हरियाणा की जनता भी हामी भरेगी कि जब जब हमने चाहे हमारी भारत ये जो भारत विकसित यात्रा चल रही है उसमें और जब माननीय मनोहर लाल जी ने गांव गांव अपना कार्यक्रम किया था, एमपीज ने किया था और एमएलएज ने किया था, तो वहां पर गांव के बहुत सारी जगह पर ये बात आई थी कि ग्रामीण रूट जो है वो बढ़ाए जाए, तो हमने बसों को ग्रामीण रूट पर भी बढ़ाया था। ऐसा नहीं है कि हमने बसों की संख्या नहीं बढ़ाई। दूसरी बात, जहां तक कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट है, बीजेपी सरकार में जो है वो कंडक्टर्स की भी भर्ती हुई, ड्राइवर्स की भी नई भर्ती हुई। हमारे युवा साथी आज
अगर सुरेश जी बोलते हैं कि वो बस में सफर करते हैं, मैं भी कई बार बस में सफर करती हूँ, मैंने भी देखा है कि आज जो कर्मचारी हैं बसेस में वो युवा साथी लगे हुए हैं। वो युवा कहाँ से आए हैं? अगर हमने भर्ती ही नहीं की तो युवा ड्राइवर और युवा कंडक्टर कब से लग गए, कैसे लग गए? अपने आप तो लगे नहीं होंगे, सरकार ने उनकी नौकरियां उनको नौकरी दी है तो ही लगे हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से यहाँ बात कर रहे थे सुरेश जी कि चंदूडी साहब यहाँ नहीं है और भी अन्य किसान नेताओं की बात कर रहे थे कि जो हड़ताल को बढ़ावा देते हैं, चलिए मैं मानूं, सोनल जी आप भी इस बात को विश्वास रखिए कि आज सुरेश जी ने इनडायरेक्टली इस बात को स्वीकार कर लिया और चैनल पर ये एडमिट कर लिया कि चंदूनी जी और अन्य जो किसान नेता थे वो भड़काने का काम कर रहे थे और हड़ताल पे लोगों को भेजने का काम कर रहे थे। आज वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब इस मुहिम में वो कोई इनपुट नहीं डाल रहे हैं, वो तेल नहीं डाल रहे हैं। ये बात तो सुरेश जी ने मान ही ली इनडायरेक्टली, उसका मतलब यही निकलता था कि वो लोग यहाँ नहीं है फिर ये हड़ताल पे क्यों जा रहे हैं, यानी कि वो इस चीज को भड़का नहीं रहे हैं। लेकिन मैं सोनल जी यही बात कहूंगी, कर्मचारियों से भी हमारा यही मत है कि हमने आपके समर्थन के लिए हम खड़े हुए। देखिए निजीकरण की जहां तक बात रहेगी, सोनल जी एक थोड़ा सा समय लूंगी कुछ सेकंड्स का और ये बात क्लियर कर दूं आपको कि जब हमने देखा कि बहुत लंबे रूट पर कंडक्टर्स को ड्राइवर्स को हॉलीडेज प्रॉपर छुट्टियां नहीं मिल पा रही थी, उनको परिवार के साथ अपना समय बिताने का वक्त नहीं मिल पा रहा था, उनके ऊपर काम का प्रेशर आ रहा था और सरकारी एक लिमिटेड बजट रहता है जिस बजट के कारण हम एकदम से परिवहन के लिए इतना बड़ा बजट केवल और केवल परिवहन व्यवस्था के लिए नहीं निकाल सकते हैं, तो हमने इसका निजीकरण एक अच्छा ऑप्शन चुना जिससे कि नए रोजगार के ऑप्शन भी खुलेंगे और नई कंपनियों को भी काम करने का मौका मिलेगा और लोगों को सहूलियत मिलेगी। हमारा मकसद है परिवहन की व्यवस्था करना, चाहे वो सरकारी रूप में हो चाहे वो निजी रूप में हो। अगर हमने निजी कंपनियों को भी मौका दिया, निजी बसें भी चलाई रूट पर, तो उससे क्या हुआ? सहूलियत तो जनता को मिली, किराया तो सरकारी रेट के हिसाब से ही है ना, किराया तो निजी बसों का बढ़ा नहीं है, तो व्यवस्था। लेकिन नेहा जी, अब सहूलियत के साथ साथ जो परेशानी लोगों को हो रही है उसका समाधान क्या है? क्योंकि पिछले काफी समय से कोई समाधान सामने आ नहीं रहा है, बहुत बातचीत हुई है लेकिन कोई एक साझा जो राय बनती है वो निकल कर सामने नहीं आ रही है। मैं इसका फेलियर भी थोड़ा आपसे समझना चाह रही हूँ कि आखिरकार ऐसा क्यों, आपकी नजर में ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए सोनल जी, इसके लिए हमें थोड़ा सा अपना विजन और अपना दिल जो है वो बड़ा रखकर ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं कहूंगी कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड भी इस बात को समझने में लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से इनपुट जो है वो हड़तालों में जरूर है ताकि इस पे राजनीति की जाए, सरकार का फेलियर जो है वो दुनिया के सामने, देश के सामने, लोगों के सामने रखा जाए, ये मंशा जरूर है कहीं ना कहीं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्रत्येक इंसान का अपना अपना एक मत और समर्थन हो सकता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ। आप कहना चाहती है नेहा जी की राजनीतिकरण हो रहा है, रोडवेज बसेस की हड़ताल में भी पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं। सरकार ने जो काम किए हैं जनता के लिए और रोडवेज कर्मचारियों के लिए उस पर भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर सरकार ने हामी भरी है तो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों को वो सहनशीलता और वो समय रखना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड ना तो आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में। ठीक है सुरेश जी नेहा जी जिस तरह से कह रही है सहनशीलता और समय की बात कह रही है, लेकिन साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया है कि जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं हड़तालों को बढ़ावा देते हैं, जो राजनीतिकरण होता है इस तरह की चीजों का, उन पर राजनीति होती है। सीधे सीधे एक कह सकते हैं कि आरोप भी लग रहा है कि आप लोग राजनीति भी कर रहे हैं हड़ताल के जरिए। नहीं सोनल जी, बड़ी ईमानदारी से मैं बात बताना चाहता हूँ, मुझे तो सुनकर भी इनके पास बची हुई मीडिया होती है, कांग्रेस के यही आरोप लगाते हैं। हमने तो पहले पूछा है कि इनमें किसी भी राजनीतिक नेता का ना बेटा है ना बेटी है जो हड़ताल में लोग बैठे हैं, ना इन्होंने चुनाव लड़ा है, ना किसकी कहती है चुनौती साहब की तरह, तो फिर वही बात आ जाती है। अभी मैं एक बात और कहना चाह रहा था, वैसे ऑडियो क्लियर नहीं है सोनल जी, मैं इनकी बात ठीक से सुन नहीं पा रहा था, मुझे भी आवाज गूंज के आ रही है, तो मैं एक बात और कहना चाह रहा था, इन्होंने निजीकरण किया सोनल जी पीछे, ये बात चलो इन्होंने एक अच्छी बोली कि सहनशीलता चाहिए और रोडवेज के कर्मचारी ने देखा है सहनशीलता रखी भी है, हम तो स्ट्राइक नहीं कर रहे ना हम करवा रहे। और इसमें तो मैं नेहा जी को एक चेतावनी देना चाहता हूँ, क्योंकि सत्ता पक्ष में है, हमारा फर्ज बनता है चेताना समय है कि अगर ये चेत जाए, जैसे राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में आंखों में आप डालकर माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोरोना के बारे में छिपाया था, वो नहीं समझा बात है,
किसान आंदोलन के बारे में भी चिताया था कि आपने हार माननी पड़ेगी, आपसे में रहते किसानों को मरने पे मजबूर ना करके उनकी मांगे मानो, तीन काले कानून उल्टे ले लो और देश में अमन और शांति बहाल करो। लेकिन मोदी जी नहीं माने, बाद में खैर माफी मानी, वो एक अलग बात। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने निजीकरण किया सुनो जी, ड्राइवर तो सरकारी है, सॉरी ड्राइवर तो है प्राइवेट, बसों में निजीकरण वाली होगी, कौन सी कैटेगरी की बस आप उसकी छानबीन करना कि उस पर भी प्रकाश डाली अपने चैनल के माध्यम से। और जो कंडक्टर है वो सरकारी है, यानी जो रिवेन्यू का जो पैसा इकट्ठा करेगा टिकट का वो तो सरकार के खाते में जाए, और सस्ते ड्राइवर जो निजीकरण वाले लोग हैं पैसा। ठीक है, आप बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, नेहा जी से मैं इसका जवाब लूंगी, नेहा जी से मैं इसकी इसका जवाब लूंगी। हमारे साथ जयबीर घणगस भी जुड़ चुके हैं जो कि साझा मोर्चा के सदस्य हैं। जयबीर जी, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखिए राजनीति में चलता है, माफ कीजिएगा नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है, नरेंद्र दिनोद जी हैं। नरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नरेंद्र जी आप कुछ बोलिए, सुन पा रहे हैं आप? अनम्यूट कीजिए अपने आप को नरेंद्र जी। हम ये कहना चाहते हैं, लगातार रोडवेज का कर्मचारी 2 साल से आंदोलन के ऊपर है, लेकिन सरकार कोई इस बात की सुध नहीं दे रही, और तुरंत के प्रभाव से 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी आवास का हमने रोडवेज के कर्मचारी ने घेराव किया था, वहां पर तत्कालीन SDM और CM के OSG साहब हमारे को लेटर दे के गए, बाकायदा कि आपकी मांगों के समाधान के लिए हम मुख्यमंत्री जी से बात करवाएंगे। लेकिन आज 24 तारीख होगी, सरकार ने कोई रोडवेज कर्मचारी की सुध नहीं दी, और लगातार कर्मचारी 2 साल से आप लोग रद्द है, और मांगे मान ली जाती है हमारी, लेकिन धरातल पे उन पर कुछ लागू नहीं होता, उन पर काम नहीं होता। दूसरी बात हम नया जी कह रही थी कि राजनीतिक वाली बात, हम कोई राजनीति नहीं करते, हम ये कहना चाहते हैं कि जो आप प्राइवेट का प्राइवेट जो रूट है, प्राइवेट जो परमिट दे रखे हैं, जो प्राइवेट बसेज है उनकी हालात देखिए आप, उनके एक्सीडेंट देखिए कितने एक्सीडेंट करते हैं, जनता के जान माल का खतरा है, रोडवेज नंबर 1 पे आती है, रोडवेज की जो सवारी है वो पूरे एशिया में फर्स्ट आई है। इसलिए ये गलत कह रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं रोडवेज के अंदर बसें शामिल करो ना, ताकि जनता को हम बेहतर सुविधा दे सके। 10,000 रोडवेज के अंदर बसें शामिल करो, 55,000 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और जनता को एक सुरक्षित सुविधाएं भी मिलेंगी, हम ये कहना चाहते हैं। ठीक है, नरेंद्र जी की आपके आपकी बातों का जवाब मैं ले लेती हूँ नेहा जी से। नेहा जी आप सुन पा रहे हैं नरेंद्र जी को? जी बिल्कुल, मैंने पूरी बात सुनी है नरेंद्र जी की भी और सुरेश जी की भी। सोनल जी, मैं नरेंद्र जी से भी यही बात कहना चाहूंगी कि देखिए, जब चार दौर की आपकी वार्ता हुई थी 2023 में, तो माननीय जो सरकार है उन्होंने माना था आपकी बातों को कि कुछ जो जायज मांगे हैं उस पर अमल होगा, बिल्कुल आश्वासन दिया था, उस पर कार्यवाही शुरू है, क्योंकि जब भी सरकार किसी बात को मानती है उसका आश्वासन अगर मुख्यमंत्री जी देते हैं तो उस पे काम शुरू हो जाता है। नरेंद्र जी आप भी जानते हैं कि सरकारी काम को होने में एक समय लगता है, वो समय हमें आपको देना चाहिए भी और देना भी चाहिए। मुझे लगता है कि उसकी प्रक्रिया में जो समय लगता है, जो तकनीकी ग्राउंड है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको फॉलो करना जरूरी है। अगर नई भर्ती की बात है तो उसके लिए भी एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, और चाहे वो नई बसें खरीदने की बात है तब भी वो भी सरकार के लिए एक वक्त, उसके लिए भी चाहिए, बजट निकालने के लिए भी वक्त चाहिए। तो इन सब प्रक्रिया के लिए जो समय निर्धारित होगा वो समय तो आपको सरकार के साथ बने रहना चाहिए, उसमें आप हड़ताल ना कर एक टेबल पर बैठकर बातचीत जो होती है वो की जा सकती है। आप अपना फिर से डेलीगेशन बनाकर मुख्यमंत्री नरेंद्र जी से ही मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। नरेंद्र जी, नेहा जी कह रही हैं कि एक टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, क्या आपको कोई टाइमिंग का आश्वासन दिया जाता है कि इतनी समय सीमा के भीतर इस चीज को दुरुस्त कर लिया जाएगा? मैडम हम यही तो कह रहे हैं, हमारा साझा मोर्चा का प्रोग्राम था, हमारा 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी आवास का घेराव था, लेकिन वहाँ हमारे को समय दिया गया कि आपको मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे, हमारी जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री जी लेवल की है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमने 24 तारीख की स्ट्राइक दे रखी थी, उसके बावजूद भी हमारे को लेटर दिया गया कि आपको 10 जनवरी से पहले पहले आपकी बातचीत करवा दी जाएंगी मुख्यमंत्री जी से, लेकिन आज 24 तारीख होगी, हम कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, कोई। ठीक है, थोड़ा समय की कमी है, सुरेश जी से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। सुरेश जी एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी, बहुत कम वक्त है हमारे पास।
सोनम जी, नया जी ने कानूनी अड़चन की बात कही जिसके लिए उनको समय चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हिट एंड रन कानून है, माननीय चुने हुए 100 सांसदों को लोकसभा से निष्कासित करने के बाद इन्होंने एक मिनट में पास कर दिया, तो वहां उन कानून की अड़चन क्यों नहीं आती? तीन काले कृषि कानून उन्होंने बिना लोकसभा में बहस के पास कर दिए और वर्षों से चल रही हड़ताल जो जरूरतमंद चीजें हैं, असली बात यह है कि किलोमीटर स्कीम में निजीकरण के बाद उनसे बदनाम किए गए, ये इनका उनकी मनसे कुछ हो रहा है, टेक्निकल चीजें इनके आधार पर। ठीक है, ठीक है सुरेश जी, थोड़ा थोड़ा वक्त की कमी है हमारे पास। नेहा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो रोडवेज का एग्जाम्पल दिया जाता है, अगर हरियाणा रोडवेज की बात करें तो पूरे देश भर में हरियाणा रोडवेज की अपनी एक पहचान है, लेकिन रोडवेज के पहिए जब रुकते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों को परेशानी होती है और वो परेशानी जनता झेल भी रही है। सरकार कह रही है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें वक्त लगेगा और जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा होने तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन रोडवेज कर्मचारी कह रहे हैं कि हमें बार बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन हमारी मांगों को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। अब वक्त रहते क्या ये चुनावी एजेंडा है, क्या रोडवेज कर्मचारियों की कितनी जायज हैं, ये तो समय के साथ परतें खुलेंगी, लेकिन फिलहाल जनता परेशान है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।